हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कल प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कल थी 7 तारीख और आज है 8 तारीख। तो कल हमें कंफर्म नहीं था, आज कंफर्म हो चुका है। तो कल यहाँ पर सरकार प्रधानमंत्री बदल चुके थे। पहले जो प्रधानमंत्री थे शेख बिन तमीम थे, और अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के, जो पीएम बने हैं यहाँ, अब जो बने हैं शेख बिन अब्दुल रहमान करके बने हो। इससे पहले भी कोई ऊंचे पोस्ट पे, बड़े पोस्ट पे थे, अब जाकर प्रधानमंत्री यहाँ पर बन चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है। और गुड न्यूज़ तो यह है कि हो सकता है कि अब यहाँ पर काम चालू हो जाए, क्योंकि जब से फीफा वर्ल्ड कप चालू हुआ था यहाँ पर कतर के अंदर, जब से फीफा वर्ल्ड कप यहाँ शुरू हुआ था, जब से काम यहाँ पर बंद हो गया, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप खत्म शुरू होने से 1 महीने पहले यहाँ पर काम बंद हो गया। बस नॉर्मली काम चालू था, जो भी रोड का काम था, जो भी कंडक्शन का काम था, नॉर्मल काम चालू था। और हो सकता है कि अब काम यहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है, फिर भी अभी काम चालू नहीं हुआ है। हो सकता है जो भी काम बंद था, या जो भी काम का प्लानिंग था, या जो भी काम शुरू होने वाला था, हो सकता है इसकी वजह से काम बंद रहा होगा, या कोई मीटिंग चल रही होगी। तो अभी यहाँ पर फाइनल हो चुका है कि शेख तमीम अभी अपने इस्तीफा दे चुके हैं प्रधानमंत्री से। जो अभी यहाँ पर जो बने हैं प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री शेख बिन अब्दुल रहमान बने हैं। और ये आप लोगों को जानकारी हो चुकी होगी, या इससे पहले भी आप लोगों को मालूम रहा होगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो रही काम की बात, या कंपनी वालों की बात, जो फ्री वीजा में काम करते हैं, या जो आज़ाद वीजा में काम करते हैं, तो हो सकता है काम बहुत जल्द यहाँ पर चालू हो जाए, और कई जगह काम चालू भी हो चुका है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। जो फ्री वीजा वाले हैं, जो आज़ाद वीजा वाले हैं, जो भी काम करते हैं, या हाउस पेंट का काम हो, या घर का काम हो, या बिल्डिंग बनाते हैं, या कलर करते हैं, या तो जो भी इलेक्ट्रीशियन से लेके एसी तक जो भी काम करते हैं, हो सकता है कि आप लोग के लाइफ में नया मोड़ आ जाए और नए काम का शुरुआत हो जाए। हो सकता है कि आप लोग की लाइफ यहीं से शुरुआत हो जाए, यानी काम को लेकर अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से काम बंद है यहाँ पर। काम को लेकर बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है। जो लोग फ्री वीज़ा में आए हुए हैं, अपने देश से, अपने कंट्री से काम नहीं मिल रहा है, बहुत से बंदे हैं। जो पुराने लोग हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है, जो अभी आ रहे हैं, ऑलरेडी जो आ रहे हैं अपने देश से, जिनको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, भाई उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जब से फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, उसके बाद से काम बंद है। और हो सकता है कि अब जब से प्रधानमंत्री नए बने हैं, हो सकता है कि 1 महीना 15 दिन में, 1.5 महीना में 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है काम चालू हो जाए। तो आप लोग से ये है कि थोड़ा इंतज़ार और करें, अभी तक जो भी इंतज़ार किए हैं, थोड़ा इंतज़ार और करें कि काम चालू हो जाए और आप लोग की सेटलमेंट अच्छी हो जाए। क्योंकि भाई बहुत इंसान यहाँ पर बेकाम हुए घूम रहा है, यानी काम नहीं है, काम के लिए मारा मारा फिर रहा है इंसान, कॉल कर रहा है एक दूसरे को कि भाई काम होगा तो बताना, हमारे पास काम नहीं, काफ़ी दिन से हम परेशान नहीं। तो ये रही छोटी सी खबर आप लोग के लिए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बदल चुके हैं। और प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी खबर यही है कि भाई आप देखो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये भी अच्छा काम करेंगे, जो जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे वो भी अच्छा से अच्छा काम किए भाई, और अच्छी तरीके से वो अपने ओहदों को निभाए और अच्छी तरीके से काम करे कतर के अंदर। हो सकता है आने, तो भाई तो मुझे तो यही लगता है कि अब काम चालू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से काम बंद था कतर के अंदर, और मेरे हिसाब से तो इसीलिए काम बंद होगा क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, उसके बाद से कोई भी काम नहीं शुरू हुआ। जो पुराना काम था थोड़ा मोड़ा वो काम चालू था, और हो सकता है कि अब काम चालू हो जाए और आप लोग भी को काम मिलना स्टार्ट हो जाए, और आप लोग भी काम करना चालू कर दो, क्योंकि हो सकता क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम बंद है, काफ़ी लोग परेशान हैं। थोड़े मोड़े लोग नहीं परेशान, कम से कम 2-4 हज़ार 10 हज़ार लोग यहाँ पर परेशान है काम को लेकर, क्योंकि काम बंद है भाई। रूम का भाड़ा, घर का रूम का भाड़ा, खाने का खर्चा, यानी कि बहुत ज़्यादा सारा खर्चा, और खर्चा कहाँ से निकलेगा जब आपको काम नहीं मिलेगा। तो गाइस ये रही छोटे से वीडियो आप लोग के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे कोई भी अपडेट आती है काम को लेकर, कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग जरूर तक